67वीं बीपीएससी लीक कांड मामले में एक की गिरफ्तारी और हुई है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। 67वीं बीपीएससी लीक कांड मामले में अब तक 9 की गिरफ्तारी हुई है, वही एक की गिरफ्तारी जो हुआ वह सॉल्वर गैंग से नाता रखता है। और बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक मामले में इनका सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। इनका नाम संजय कुमार बताया जा रहा है और छापेमारी कर मछुआ टोली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के जो अररिया में थे उनकी गिरफ्तारी के बाद अब संजय उसके निशानदेही पे छापेमारी कर संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। और बताया जा रहा है कि इनसे एक अहम सबूत हाथ लगा है जो कि ईओयू की टीम अभी नहीं बता रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं संजय कुमार की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ईओयू की टीम बड़ा खुलासा कर सकता है। पहले देखिए इनकी गिरफ्तारी का वीडियो। बीपीएससी के 67वीं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में अब तक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पेपर लीक में शामिल संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी पटना के मछुआ टोली इलाके से हुई है। 8 मई को जब पेपर लीक का मामला सामने आया तब से यह फरार चल रहा था। 28 मई को इस मामले में ईओयू की टीम ने अररिया जिले में छापेमारी कर भरगामा अंचल के राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया था। राहुल का कनेक्शन भी संजय कुमार के साथ है। ईओयू की तरफ से संजय को गिरफ्तार कर ली जाने की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में यह 11वीं गिरफ्तारी है। वहीं बताए यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया संजय फरार चल रहे सेटर्स गैंग के सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव का साथी भी है। पेपर लीक करने में आनंद गौरव के साथ ही संजय का महत्वपूर्ण रोल है। पिंटू यादव का दोस्त बताया जा रहा है और मुख्य सरगना के साथ इसकी साठगांठ बताई जा रही थी। और राजस्व विभाग के राहुल की गिरफ्तारी के बाद उसके निशानदेही पे छापेमारी कर संजय की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा कि ईओयू की टीम क्या कुछ खुलासा करती है।